जीत गई तो पिया मोरे पिया की जंग में आज देखिए, चढ़ रहा है देविका पर मेहंदी का रंग। मुझे बस देविका के जिस्म से मतलब है, बस एक बार उसके साथ सो लूं। मैं तुम्हारी शादी उस आलेख के साथ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी होगी तो मुझसे, और ये तय है। अरे पागल मत बन, मध्य आलेख का साथ अगर जीजीसा को पता चल गया तो कर देगी परलोक सिधार। बहुत कर ली माजीसा की फिक्र, अब थे मार को बता दो कि थे किसका साथ दोगे, जिसके साथ भविष्य जुड़ा है ऊका या अपनी वो दूर की बहन का, जिसने थारे बारे में कभी सोचा ही ना। हर माजीसा को देविका का ही ब्याह करना है ना, तो वरुण के साथ क्यों? वरुण का ब्याह धानी के साथ क्यों ना हो सकता? कैसे बताऊं उसको कि वरुण जीजीसा का मोरा है? के सोच रहे हो? नहीं है ना कोई जवाब? तो वादा करो हमारे से कि वरुण का ब्याह धानी के साथ करवाने में हमारा साथ दोगे। चल कर दिया वादा, अब बता क्या है इरादा। चलो हमारे साथ, बताती हूँ। देविका। हाँ। क्या हुआ तुम्हें? अरे तेरी वो मरीज, क्या नाम है उसका, जिया। अरे वो यहीं थी अभी, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ गायब हो गई वो। ये क्या बातें कर रही हो तुम? तुम कह रही हो कि तुम्हें वो लड़की यहाँ दिखाई दी थी, इस घर में। हाँ अभी अभी। क्या हो गया तुम्हें? Just relax, calm down. मैंने तुमसे कहा था ना, तो दिमागी मरीज है, उसका इलाज चल रहा है। नहीं पर देखो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, है ना? हाँ यकीन है। तो बस तो अपने सारे वहम दिमाग से निकाल। उसे एम्बुलेंस ले गई थी जैसलमेर, उसका इलाज शुरू हो गया वापस वहां पर। अच्छा मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो और चलो, आज मेहंदी है ना, तुम्हें मेहंदी लगानी है। हाँ चलो। हाँ देविका आओ ना। हाँ चलो। मेहंदी की खुशबू से आपका आंगन महके,
इस मेहंदी के रंग से आपका जीवन रंग गया बेटा। एवरी तो मेरी देविका के हाथों में अच्छे से मेहंदी लगाना, नहीं तो मैं आती हूँ। देविका किसे ढूंढ रही हो? वरुण। मेरा मतलब है वरुण आके फिर से कोई हंगामा ना कर दे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है तानी, अब तक तो बहुत सब्र रखा है आलेख ने, पर अगर पानी सर से ऊपर गया तो उसका पारा भी चढ़ सकता है। कुंवर साहब को अभी तक समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी और आलेख की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब वो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो अब तक उसको कुंवर सा बुलाते? मेरे लिए वो हमेशा कुंवर सा ही रहेंगे। अब वैसे मेहंदी पे दूल्हे का नाम लिखवाया कि नहीं? याद से लिखवाना, मैं अभी आके देखूंगी, ठीक है? ये तूने किसका नाम लिखा? पति का नाम ही तो लिखा है। लाना ये, वरना वो सामने खड़ा करता शोर मचाएगा और बदनामी होगी तुम्हारी। वो क्या है ना, किसी ने कहा है अगर पानी सर के ऊपर चला गया तो उसका भी पारा चढ़ सकता है ना। देविका, दिखाओ ना कैसी लगी है मेहंदी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है हम रजावत खानदान में मेहंदी गीली हो तब तक नहीं दिखाते। ठीक है, मैं रचने तक का इंतजार करूंगा। कमीने, तू सारी जिंदगी इंतजार करेगा, दूल्हा तो मैं ही बनूंगा। क्या गेम खेल रहा है तू? ये क्या बात कर रहा है? अपनी इस शरीफों वाली बातों से किसी और को लू बनाना, मुझे तेरा सारा सच पता चल चुका है। पता चल गया तुझे? तो साबित कर। पर कैसे करेगा, उसके लिए तो चाहिए ना सबूत, पर नहीं है तो अच्छा है देविका से तू दूर रह। तुझे मैं बुरा लगता हूं? बुरा नहीं हूं मैं, अव्वल दर्जे का कमीना हूं। मुझे बस देविका के जिस्म से मतलब है, बस एक बार उसके साथ सो लूं। आस जैसे इंसान को मारकर अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहता, और वैसे भी
आसान काम करना वरुण को पसंद नहीं। तेरी पसंद का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर सकता तू। इसलिए शांति से बैठकर हमारी शादी होते हुए देख। शादी तो तू देखेगा, मेरी और देविका की। सुन, और कुछ नहीं कर पाएगा। तू भूल रहा है, देविका की नजरों में तू झूठा है, मैं नहीं। और देविका को मेरा अपना अगला शिकार बनाने से तू मुझे नहीं रोक पाएगा, इसलिए ऐसे सपने मत देख। तूने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है ना, लेकिन एक बात याद रखना, मैं देविका की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक बात बता, मैंने उसके हाथ पे मेहंदी से अपना नाम लिख दिया, तू रोक पाया नहीं ना? देखते हैं जीत किसकी होती है, तेरे घटिया इरादों की या मेरे सच्चे प्यार की। उठो बेटा। अरे आराम से। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। Happy birthday to you, Tara. Happy birthday to you, Tara. Happy birthday to Devika. Happy birthday to you. तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? दो, तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने आया हूँ और तुम ये सवाल कर रही हो? आज के दिन भी झगड़ा करोगे? मैं नहीं। चलो एक मिनट। प्लीज। काटू। प्याले का हक था और वो यहां है नहीं, मैं यहां। कहीं ये भी भगवान का इशारा तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में आलेख ने वरुण होना चाहिए? चुप कर तू, मुझे यकीन है कि आलेख भी आना चाह रहा होगा, पता नहीं कहां रह गया। अब बस करो, झगड़ा करना बंद करो, जन्मदिन है ना, अच्छी सी नींद सो जा। हम्म, जल्दी से चलो चलो, आती हूँ। चल चलो। तुम्हें अलग से मिलना है ना, चलो मिलवाता तुम्हें उससे। चलो तू मिलवाएगा? हाँ मैं मिलवाऊंगा, चलो चल। मेरे प्लान को फेल करने चली थी तू? बोला था ना मैंने तुझसे चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पर, लेकिन तेरे कुछ समझ में नहीं आया। क्या लगती है तेरी? जो भागते हुए आ गई देविका से बात करने के लिए। बेचारी भोली लड़की है, उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो।
क्यों करती हो मेरे बारे में ऐसी कड़वी बातें? पता है ना क्या होता है उसके बाद? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज सगाई हो गई है, कल शादी हो जाएगी। मैं और एक मासूम लड़की को तुम्हारी जान में फंसने नहीं दूंगी। क्या करेगी? बोल। तुम ऐसे नहीं मानेगी, रस्सी से काम नहीं चलेगा। रुक। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, नहीं। मत करो ये, बस। नहीं, 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 छोड़ो, नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ो, ये मत करो। चुप। चुप। तुम चुप। बस, 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 बस। अब अगर तू इस चेन को तोड़कर भागने की कोशिश करेगी ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे। तू ऐसे मुंह पर निकल के। छोड़ो मुझे। चुप। देविका मेरे पंजे से नहीं बच सकती। सुनो तुम्हें। एक सेकेंड। पता था मुझे कि तू कोई ना कोई नया कांड जरूर करेगा। मुझे कहा था कि अलेक से मिलवाने ले जा रहा है। कहाँ है अलेक? तो क्या करता मैं? अगर तुम ऐसी लेकर आता तो तुम कभी नहीं आती। वो तुम्हारा छिछुंदर किस बिल में छुपा है वो दिखाने के लिए लाया तुम्हें यहाँ पे। मैंने उसे इस कमरे के अंदर छुप छुप के जाते हुए देखा, इसलिए तुम्हें लाया। यहाँ? हाँ। इस कमरे में? हाँ। जिस पे ताला लगा हुआ है। ताला? अरे अरे मैं सच कह रहा हूँ, वो इसी कमरे के अंदर गया था। तू बकवास बकवास करता रहेगा ना, मानेगा नहीं ना। एक ही बार में दूध का दूध पानी का पानी करती हूँ मैं। पिन से? हाँ, पिन से। ताला खोल के। जंजीर यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता। इसका मतलब इन जंजीरों से किसी को बांधा गया था। ए फ्लॉप स्टार, ये फ्लॉप फिल्मों की कहानियां बनाना बंद कर तू। पहले तो तू मुझे अलेक का नाम लेके धोखे से यहाँ लाया, फिर पिन से ताला खुलवाया, और अब मेरे दिमाग में कबाड़ भर रहा है तू। मटन की दुकान, ये डोली शोले बनाए है ना, कब काम आएंगे? आ दरवाजा खोल, अटक गया है। पकड़ो इसे और इधर आओ। पीछे पीछे पीछे। नहीं हो रहा है तो
दो तीन बार और कर ले तेरी कसरत, शायद खुल जाए। जरूरत नहीं है, ऐसे खुल जाएगा। कल सुबह शादी है और इस बंदर के साथ फंस गई हूँ मैं यहाँ पे। मैडम, बंदर किसको बोला? हाँ तो उछलना कूदना बंद करना ऐसे। अब जब दुल्हन ही नहीं होगी तो शादी कैसे होगी? पुराने दरवाजे को जाम करके बाहर से ताला लगा दिया है, अब बाहर कैसे आएगी? कल शादी नहीं, हंगामा होगा, हंगामा। नहीं होना ना, हट, पकड़ इसको। अरे कोई है? अरे हम फंस गए यहाँ पे, खोलो। मदद करेगा मेरी, वरना हम यहाँ फंसे रहेंगे पता नहीं कब तक। सच? ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ फंसे रहे और पता नहीं कब तक? गंदगी भरी है तेरे दिमाग में। कुछ भी कह लो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। दीपिका, ए क्या कर रहा है तू? हट, देख तू चैनल पे डांस करने की कोशिश मत कर। हां शादी होने वाली है मेरी। तुम लड़कियों को हमेशा से क्यों लगता है कि हर लड़का तुम पे चांस पे डांस मारना चाहता है? अरे उसे डर भी लग सकता है। अच्छा, और किन किन चीजों से डर लगता है तुझे? अंधेरे से और और छिपकली से और मकड़ी से। अरे तू क्या कर रहा है? क्या मकड़ी? अच्छा रुक, कुछ करती हूँ। अरे रुक, अरे छोड़। नहीं, चल ले फट्टू। जो अपने डर को छुपाए नहीं और खुल के बोल दे उसे फट्टू नहीं कहते। बड़ा आया बाबा वरुण देव, ज्ञान देने वाला है ना। देखया मैं चांद, देखया नूरा वाले सितारे, देखया पर तेरे जैसा ना कोई, देखया मैं लगता है निगाहों में तेरी, बिन डूबे रहना ही नहीं मुझे इश्क ये करने से, अब कोई भी ना रोक सकेया। ओ हारे आ मैं दिल हारे आ, ओ हारे आ मैं दिल हारे आ, ओ हारे। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, कभी नहीं।